हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और आपकी आज से रीबूट क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज है आपका डे वन। यहाँ पर साइंस हम पढ़ेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। आपको अगर बेसिक साइंस का पढ़ना है, बेसिक्स जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको एकदम बेसिक्स एकदम नीचे से बोलते ना कि उसका फाउंडेशन देखना है, तो एक बार आप जाकर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उन वीडियोस को जरूर एक बार स्क्रॉल कर लीजिए, जाकर देख लीजिए, 2x पर देख लीजिए। उनसे आपका एक बेस तैयार हो जाएगा और यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस लेवल चलेंगे लेकर। ये मत समझिए कि यहाँ पर नीट की प्रिपरेशन में करा रही हूँ आपको, यहाँ पर वो सारी चीजें आपको एडवांस लेवल में कराऊंगी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ के इस रिबूट सेशन को, एडवांस लेवल को ज्वाइन जरूर करिएगा। और सबसे खास बात क्या है इस सेशन की, जो हम पढ़ेंगे पूरा मंडे से लेके फ्राइडे तक, हमारा हैशटैग 10 का डोज चलता है। रोज सुबह 10 बजे आपको एक वीडियो मिलता है, तो जो भी आपको मिलेगा वीडियो पूरा एक हफ्ता फ्राइडे तक, सैटरडे को आपको उसका टेस्ट देना होगा। तो इसीलिए ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और पूरे हफ्ते में जो भी हमने किया होगा उसको लास्ट में हम रिवाइज करेंगे, जिससे कि हमारा सारा कुछ रिविजन हमारा साथ साथ होता रहे और एग्जाम में एकदम से प्रेशर ना आए, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम साइंस की बात कर रही हूँ मैं आपके लिए, तो यहाँ पर साइंस के लिए आप एकदम टेंशन फ्री होकर आपने बस क्लासेस को डेली अटेंड करिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि आपको पेपर पेन लेकर बैठना है। पेपर पेन लेकर जो भी लोग बैठते हैं उनको लास्ट में रिविजन करने में कहीं भी कोई समस्या नहीं आती, उनके की पॉइंट्स की आपको पूरा पूरा कुछ नहीं लिखना है। मैं साइड हो जाऊंगी, बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने की पॉइंट्स को, वर्ड को नोट कर लेना, जिससे कि रिवाइज करने में आप ही को आसानी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका क्लास 11th का चैप्टर नंबर 21। अभी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कर रहे हैं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म कर लेंगे, उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे। और इन सारे सेशन से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा फंसेंगे, क्योंकि ये सारा जो मैं लेवल को थोड़ा आप लेकर चल रही हूँ, जैसे कि आपने देखा भी इस बार के टीआरई में जो एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन, तो क्लास 11th के भी क्वेश्चन को उन्होंने स्टेटमेंट में डाल दिया था। तो इसीलिए उस सब चीजों को देखते हुए आपके लिए मैं यहाँ पर ये जो साइंस का पूरा एक समा एक तैयार कर रही हूँ, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम चैप्टर नंबर 21 कर रहे हैं। ये मेरे पास है मेरी खुद की एनसीईआरटी बुक, आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो एक बार रीड कहीं से पीडीएफ से रीड कर लेना अगर मन हो तो, नहीं करना है तो मत करो, मैं तो हूँ यहाँ पर कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 21 हम स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इंग्लिश हिंदी में मैं दोनों में कोशिश करूंगी, बायलिंगुअल मेरी लैंग्वेज रहेगी, कोशिश मेरी पूरी रहेगी, टर्म्स मैं आपको लिख दूंगी, तो थोड़ा सा कॉपरेशन आप कर लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से चैप्टर को। तो इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, और कोई चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए हेल्पफुल क्लासेस रहेंगी, ठीक है। और हाँ, वीकली में एक चीज और करने वाले हैं, करंट अफेयर्स। तो वीक में आपकी पूरी भी जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मुझे लगेगी, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 50 हो, कितनी भी हो, आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स में आपको कराने वाली हूँ। तो चीजों से बस जुड़े रहो, आपको चीजें मिलती रहेंगी, ठीक है। चलो आ जाओ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यूरल सिस्टम देखेंगे, तंत्रिका तंत्र देखेंगे। तंत्रिका तंत्र में हमको देखना है क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। फिर हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, जिससे कि आपके कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। फिर तंत्रिका कोशिका देखेंगे, फिर आवेगों का आवरण देखेंगे, नर्व इम्पल्स किस तरीके से जनरेट होती है, तो उसमें हम प्रॉपर पूरा मैकेनिज्म नहीं देखने जा रहे हैं, जो कि आपका एनसीईआरटी में है नीट लेवल का, है ना, सोडियम और पोटेशियम पंप वाला, हम डीपली नहीं देखेंगे, बस हम चीजों को थोड़ा सा जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब चीजों को देखते चलेंगे, ठीक है। तो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे इसी चैप्टर में ब्रेन का स्ट्रक्चर जो कि आपसे पूछा जाता है, फिर हम देखेंगे आई का स्ट्रक्चर जो कि आपसे पूछा जाता है, और ईयर का स्ट्रक्चर जो कि आपसे पूछा जाता है। अब इसमें आपका क्लास 11th में और 9th स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस हो जाएगा, थोड़ा सा लेवल एडवांस रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, कि घबरा मत जाना। जो भी पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहा है प्लीज घबरा मत जाना कि मैं क्लास 11th पढ़ा रही हूँ डीपली, आपके लिए सारे वीडियोस, चाहे पीआरटी लेवल हो, चाहे आपका 6 to 8 हो, चाहे 9 to 8 हो, ये वीडियोस आप सभी वर्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हो तो ये सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट होंगे। ये बात मेरी थोड़ी सी लंबी इसलिए हो गई क्योंकि आज डे वन है, तो आपको समझाना जरूरी है कि घबरा के भाग मत जाना कि पीआरटी वालों को अलग से पढ़ाओ। पीआरटी वाले लोग, मैं आपको बोल रही हूँ, ये सारे वीडियोस आपके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत डीप। हम आप अपना पेपर खोल कर देखो, आपका पेपर और 6 to 8 और 9 to 10th में का पेपर में क्या कोई अंतर था, मुझे तो कोई अंतर नहीं लगा ऐसा खास। तो इसलिए सारे वीडियोस सबके लिए हेल्पफुल है, प्लीज इन सबको देख जरूर लेना। चलो और स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से। न्यूरल सिस्टम, तंत्रिकीय तंत्र,
तो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, एक तरह से पूरा जो न्यूरॉन्स का, एक तरह से पूरा जो गुच्छा है, पूरा नेटवर्क है, पूरा एक जाल है, किसका? न्यूरॉन्स का। तो इसी का पूरा हमको सिस्टम पूरा देखना है, किस तरीके से ये न्यूरॉन्स सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होते हैं या ट्रांसफर होते हैं। तो इन सारी बातों को यहाँ पर हमको समझना है। हम वही बातें करेंगे जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। क्या सबसे पहले इंपॉर्टेंट है? जैसे तंत्र की, तंत्र में न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स जो है आपके, ये किस तरह, देखो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अलग देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं न्यूरॉन्स किस तरीके से काम करते हैं। जैसे अब एक न्यूरॉन तो होगा नहीं, इसका मतलब कि नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है, जाल है किसका? आपका तंत्रिका कोशिका का। तंत्रिका कोशिका का जाल है तो ये फैला हुआ है जाल। अब ये जब जाल फैला हुआ है तो किस तरह से कोई एक उद्दीपक है, कोई स्टिमुलस है, उसको किस तरह से आगे ट्रांसमिट करता है, आगे ट्रांसफर करता है? तो सबसे पहली बात है, देखो आपको याद कैसे रखना है, डॉक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। कोई एक डॉक्टर है, डॉक्टर है तो वही तो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है ना बॉडी को। तो डॉक्टर ट्रांसफॉर्मेशन से याद रखना है, क्या मैंने वर्ड यहाँ बोला, डी डॉक्टर का डी आर, डॉक्टर का डी आर और ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांस, ठीक है। तो यहाँ पर डी से क्या हो गया, तो सबसे पहले जो न्यूरॉन है, जो आपका तंत्रिका कोशिका है, वो क्या करती है, किसी भी स्टिमुलस को, जैसे क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने अपने इस पेन से अपने आप को मारा। अब मैंने मारा, अगर मैं अनकॉन्शियस स्टेट में मार रही हूँ, मतलब मैं थोड़ी सी सरफरी हो गई हूँ और मैं तब मार रही हूँ, तो क्या होगा, तब अपने हाथ को हटाऊंगी। अगर मैं कॉन्शियस स्टेट में होंगी तो क्या मैं अपने आप को मारूंगी कि मुझे चोट लगे? नहीं मारूंगी। तो इसका मतलब एक अनकॉन्शियस स्टेट में, या फिर मैं अगर मुझे कहीं से चटका लगा, कैसे लगा, गर्म कोई चीज गर्म है, मैंने उसको टच कर लिया तो एकदम से हाथ हटता है ना, तो एकदम से हाथ हटता है इसका मतलब एकदम से एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है किससे, जबकि ब्रेन काम करना स्टार्ट नहीं करता तब भी ये एक्शन हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि ब्रेन रुकेगा कि नहीं, चलो डिटेक्ट करते हैं, अच्छा क्या हुआ, अच्छा करें कि नहीं करें प्रक्रिया, तब तक तो खेला हो जावे वाला हाल हो जाएगा। तो इसीलिए तो इसका यहाँ पर न्यूरॉन्स का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, एक पूरा नेटवर्क होता है जो कि फैला होता है और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से जुड़ा होता है। वो सारी चीजें भी हम आगे देखेंगे। अभी आपको क्या समझना है कि जो न्यूरॉन है, आपका तंत्रिका कोशिका है, वो किस तरीके से काम करती है, किस तरह से एक स्टिमुलस है। जैसे जो हिट किया तो ये हिट करना क्या है, स्टिमुलस है। चटका लगना क्या है, स्टिमुलस है। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो कि एक दूसरी एक्टिविटी को क्या कर रही हो, दम से दूसरी एक्टिविटी को करने में मजबूर कर दे रही हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका स्टिमुलस हो जाएगा। अब जैसे हिट किया हाथ मैंने हटाया, तो क्या होगा, न्यूरॉन तो सबसे पहले क्या करेगा, न्यूरॉन कोई भी चीज को डिटेक्ट करेगा, उसकी पहचान करेगा, फिर उसको क्या करेगा, पहचान करके अब उसको रिसीव कर लेगा अपने अंदर, वो ले लेगा, फिर लेने के बाद क्या करेगा, वो उसको ट्रांसमिट कर देगा, उसका संचरण कर देगा। क्या मैंने बोला, डॉक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले क्या किया, डिटेक्ट किया, पहचान किया किसी भी स्टिमुलस की, किसने, न्यूरॉन ने उस स्टिमुलस की जो हिट किया, अब उसकी पहचान करी, है ना, वो बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, तो उसकी पहचान करी। जैसे ही उसकी पहचान कर लेगा, हाँ ये है कुछ, इससे लगी, इसको चोट लगी, तो अब ये ब्रेन तक सिग्नल भेजने से पहले कहाँ चली जाएंगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाएंगी। अभी हम आगे देखेंगे, सिर्फ अभी इतना सिंपल समझ लो कि न्यूरॉन सबसे पहले क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा किसी भी स्टिमुलस को, किसी भी उद्दीपक को, अब उसको डिटेक्ट मतलब उसकी पहचान करने के बाद वो अपने अंदर ले लेगा, रिसीव कर लेगा, उसको ग्रहण कर लेगा, फिर क्या करेगा, उसको ट्रांसमिट करेगा दूसरे न्यूरॉन तक। आओ इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं किस तरीके से मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं। देखो यहां पर क्या है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाती हूं न्यूरॉन का। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, जहां पर एक एंड क्या होता है, ये इस तरीके से, ये आपके एग्जॉन की बॉडी होती है और ये आपके एग्जॉन के टर्मिनल होते हैं। यहां पे प्रेजेंट होते हैं बल्ब्स, ठीक है, और यहां पे प्रेजेंट होती है आपकी डेंड्राइट्स, और ये होता है बीच में सेल का न्यूक्लियस नाभिक, ठीक है। अब देखो क्या मैंने बोला कि सबसे पहले डिटेक्ट करता है, तो कोई भी अगर मान लो कोई भी स्टिमुलस है, उसको क्या किया, उसकी डेंड्राइट ने इसको डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करके क्या करेगा, ये इसको रिसीव कर लेगा, अंदर ले लेगा, रिसीव करने के बाद क्या करेगा, अब इसको ये आगे बढ़ाएगा, ट्रांसमिट करेगा, और यहां पर लगा होता है दूसरा न्यूरॉन, इस तरीके से यहां पर होता है, इस तरीके से यहाँ पर लगा होता है एक दूसरा न्यूरॉन पास में ही अटैच होता है। किस तरीके से होता है वो सब अब आगे हम पढ़ेंगे। तो ये आपने क्या समझा कि यहाँ से डिटेक्ट करा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, डिटेक्ट करा, रिसीव किया। सबसे पहले तो डिटेक्ट पहचान करेगा ना, पहचान करने के बाद क्या किया उसने, रिसीव कर लिया, और रिसीव करने के बाद उसने क्या कर लिया, ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है, आगे भेज दिया। आई होप यहाँ पर मैं अपने पॉइंट में क्लियर
हुई होंगी। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं, क्या ये तो इतना सिंपल सा चीज हो गया, किस तरह से एक इम्पल्स या एक उद्दीपक ट्रांसफर होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। ठीक है, यहाँ पर ये न्यूरॉन है, फिर आगे न्यूरॉन लगाओगे, फिर आगे न्यूरॉन लगाओगे, इस तरह से न्यूरॉन्स का आपका क्या है, तंत्रिका कोशिका का आपका एक जाल बिछा होता है, नेटवर्क होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब देखो, अब हमको देखना है कि न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन, तंत्रिका आपका संगठन, इन वर्टिब्रेट्स में अलग तरीके से होता है, इंसेक्ट्स में अलग तरीके से होता है, और वर्टिब्रेट्स में आपका अलग तरीके से होता है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स क्या हो गए, वर्टिब्रेट्स आपके हाई लेवल के हो गए, हायर ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो इनमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है। बस इतना याद रख लो कि इनमें वेल डेवलप्ड मतलब मोर डेवलप्ड होता है। इंसेक्ट्स जो कीट होते हैं आपके, उनमें तंत्रिका संगठन किस तरीके से होता है, उसमें ब्रेन होते हैं, फिर आपके गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यू होते हैं, मुच्छिका, तंत्रिकी और उत्तक होते हैं। ये आपके इसमें होते हैं, सिर्फ सिंपल सिंपल सुनते जाओ। इन वर्टिब्रेट्स में निम्न अकशेरुकी में क्या हो जाता है, तंत्रिका का जाल होता है, जैसे बस जाल होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज थी न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन, एक बार देख लोगे कभी आ जाए तो। अब देखो, अब इसके बाद क्या होता है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, यहां से हमारा मेन स्टार्ट होता है जो कि अभी हमको पढ़ना है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मानव तंत्र की तंत्र, ठीक है, ह्यूमंस का, तो इसमें आ जाता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि हमारा सेंट्रल पार्ट जो कि सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, सीपीयू है हमारा, सारी प्रोसेसिंग कर रहा है, सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, क्या करना है, कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, कब खेलना है, कब कूदना है, कब एग्जाम देना है, कब पढ़ना है, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर आ जाता है आपका मस्तिष्क, और दूसरा आपका आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड, जिसको बोलते हैं आप मेरु रज्जु। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पढ़ना है, स्पाइनल कॉर्ड वाली चीजें हम की कौन सी किसमें क्या क्या चीजें होती है वो हम आगे देखेंगे, डिफरेंट चैप्टर में है। यहाँ पर इस चैप्टर में आपको समझाया गया है क्या, ब्रेन के बारे में। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गया, फिर आपका परिधि तंत्रिका तंत्र में, परिधि मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो, एक तो हो गया ब्रेन और एक हो गया ये पेरिफेरीज, मतलब ब्रेन एक सेंट्रल पार्ट हो गया, फिर केंद्रीय हो गया, और पेरिफेरी मतलब साइड वाली चीजें, पेरिफेरी परिधि वाली चीजें, तो ये भी तो एक तंत्रिका तंत्र बनाती है। जैसे कि हाथ में चटका लगा, अब चटका लगा तो ब्रेन उस समय काम उतना नहीं कर रहा है, ब्रेन से पहले क्या है, स्पाइनल कॉर्ड काम करके क्या कर दे रही है, उस चीज को हटा दे रही है एकदम से, पेरिफेरल मतलब कि वो रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क हो जा रहा है और एकदम से हाथ हट जा रहा है। ठीक, तो यहां पर बात क्या हो जाती है आपकी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कंप्राइजेस ऑफ ऑल नर्व्स एसोसिएटेड विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे सारी नर्व्स जितनी भी आपकी तंत्रिकाएं होती हैं वो सारी किससे कनेक्टेड होती हैं, आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इसका मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का सारा कनेक्शन किसके साथ हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सब कुछ का कंट्रोल कौन कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सारी नर्व्स किसके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। आप देखो, यहाँ पे जो नर्व फाइबर्स होते हैं किसमें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, परिधि तंत्रिका तंत्र की तंत्रिका, तो यहाँ पर दो तरह के फाइबर्स पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्क मार्क करो। अभी आपको क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट मार्क करनी है, की पॉइंट्स में सबसे पहली बात है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या करता है, डॉक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। न्यूरॉन का क्या काम होता है, तंत्रिका कोशिका का, कि ये डिटेक्ट करता है कोई भी स्टिमुलस को, किसी भी उद्दीपक को, फिर उसको रिसीव करता है और फिर उसको ट्रांसमिट कर देता है, भेज देता है आगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट नोट कर लिया सबने। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में, की पॉइंट्स में क्या नोट करना है, कि जो मानव तंत्रिका तंत्र में दो चीजें होती है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और आपका पेरिफेरल परिधि तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आ जाएगा आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसमें आ जाएगा आपका क्या, आपका देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके नर्व फाइबर्स, दो तरीके के फाइबर्स होते हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि हार्ट के स्ट्रक्चर में कुछ बातें पूछी जाती हैं, हार्ट में हृदय का आपका जो संरचना होती है, इसी तरह से आपका यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व फाइबर्स होते हैं, जिसके तंत्रिका के आपके परिधि तंत्रिका की जो तंत्रिकाएं होती हैं, इसके बारे में दो तरह के फाइबर्स आपको पढ़ने हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। एक तो हो गया एफरेंट फाइबर और दूसरा हो गया इफरेंट फाइबर। ए पहले आता है, ई बाद में आता है, ठीक है, ए पहले आता है, ई बाद में आता है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, कि यहाँ पर जो इम्पल्स है, जो उद्दीपक है, वो ट्रांसमिट करता है ऑर्गन से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ठीक है, कोई भी ऑर्गन है उससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कोई भी जो नर्व फाइबर्स जा रही है, वो कौन से फाइबर्स होते हैं, वो आपके एफरेंट फाइबर्स के अंदर आता है। ठीक है, मैं सारी चीजें रिवाइज करवाती चलूंगी, जैसे कि आपको ये नए टर्म्स लग रहे होंगे पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
चलो इफरेंट में क्या हो जाएगा, इफरेंट में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ब्रेन से ऑर्गन या टिश्यू तक, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन या टिश्यू तक, आप देखो हिंदी में क्या बोलेंगे, संवेदी आपके हो गए, यहाँ पर संवेदी तंत्रिकाएं हो गई या अभिवाही हो गई, या चालक, फिर इफरेंट में क्या हो जाएगा, चालक, प्रेरक या अपवाही, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया? तो मैंने क्या बताया, न्यूरॉन्स को बताया, न्यूरॉन्स डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है, आपका कोशिका तंत्रिका कोशिका डिटेक्ट करेगा, पहचानेगा, फिर उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा, उसको ले लेगा, ग्रहण कर लेगा, और फिर क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा आपका आगे, फिर उसको संचरण कर देगा। फिर हमने मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी कि आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अभी हमने देखा क्या फाइबर्स के बारे में, कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो आपको परिधि तंत्रिका तंत्र होता है, दो तरह के फाइबर्स पाए जाते हैं नर्व्स में, वो दो तरह के फाइबर्स कौन से हो गए, एक हो गया एफरेंट, ए पहले होता है इसलिए एफरेंट पहले आता है, दूसरा हो गया इफरेंट, इफरेंट ई बाद में होता है इसलिए ई बाद वाला आया, ठीक है। एफरेंट क्या हो गया आपका अभिवाही, और ये हो गया अपवाही, ठीक। आप देखो इसमें क्या है, इसमें नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन किस तरह से होता है, फ्रॉम ऑर्गन्स टू ब्रेन, ठीक है, फ्रॉम ऑर्गन्स टू ब्रेन। हार्ट से रिलेट करो, हार्ट में क्या था कि जो सारी की सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, रिलेट करके पढ़ेंगे तो याद रहेंगी चीजें, है ना। क्या हमने पढ़ा था पहले कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें कि ऑक्सीजन रहित ब्लड, ऑक्सीजन रहित ब्लड मतलब कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो कहाँ आ रहा सबसे पहले, वो ऑर्गन से हार्ट तक आ रहा था। इसी तरह से यहाँ पर ए वाला है एफरेंट फाइबर, ये ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, वहां पर क्या था, सारे सारे ऑर्गन से डीऑक्सीयुक्त ब्लड हार्ट तक आ रहा था, तब हार्ट आगे फंक्शनिंग कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑर्गन से कहां पर आ रहा है, सीएनएस तक आ रहा है, ब्रेन तक आ रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आ रहा है उद्दीपक, तो ये एफरेंट फाइबर्स के द्वारा आता है। फिर इफरेंट फाइबर्स आ जाते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन या टिश्यू तक लेकर जाते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। चलिए आइए अब आगे देखते हैं, आगे फर्दर हम इसको स्टार्ट कर देते हैं वापस से। तो आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के टाइप्स देख लेते हैं किस तरह से आपको वो देखना है, प्लस मैं बार बार हिंदी में लिखूंगी नहीं, तो मैं बोलती जा रही हूं तो उसको आप नोट करते जाना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब परिधि तंत्र का तंत्र। इसके बारे में हम बात करें तो दो तरीके का ये होता है, आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम और आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपके दो में डिवाइड हो गया, आपका सोमैटिक और आपका दूसरा ऑटोनोमस, और ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त आपका तंत्रिका तंत्र फर्दर दो में डिवाइड हो जाता है, किसमें, अनुकंपी, और आपका दूसरा हो जाएगा आपका परानुकंपी। सिंपैथेटिक सिर्फ इतना डिवीजन देख लो कि ऑटोनोमस में फर्दर डिवाइड होना, स्वायत्त जो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र वापस से डिवाइड हो जाता है किसमें, आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में, और ये आपका परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में, ठीक है। अब देखो स्वायत्त में क्या हो जाएगा, स्वायत्त मतलब जो चीज ऑटोनोमस अपने हिसाब से हो रही है, तो कैसे हो जाएगा, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उसका जो स्टिमुलस है उसका मैसेज किस तरह से रिले होगा, आपका इन्वॉलेंट्री या स्मूथ मसल्स तक। सिर्फ इतना याद रखना है कि दो चीज हो गई क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसको डिवाइड किया तो किसमें, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व इम्पल्स होता है इसका रिले होता है इम्पल्स का फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स, ठीक है, स्केलेटल मसल से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके स्केलेटल मसल्स तक हम अपने हाथ से अपने हिसाब से उसको हटा रहे हैं, और मतलब मेरा मन है तो हटाऊंगी, नहीं मन है तो नहीं हटाऊंगी, सो वहीं रखी रहूंगी, ठीक है। तो ये रिले करेगा इम्पल्स के किसमें हो गया, सोमैटिक में। ऑटोनोमस में मतलब जो अपने आप हो रहा है, स्वायत्त हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो कंट्रोल कर रहा है पर कहाँ पर कंट्रोल हो रहा है उसका, इनवॉलेंट्री मसल्स पे हो रहा है, मतलब ऐसी जो अनैच्छिक आपकी मांसपेशियां होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, लिवर हो गया, मतलब डाइजेशन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तो ये सारी चीजें स्मूथ मसल्स हो जाएगा इसका दूसरा एग्जाम्पल का मतलब, या इनवॉलेंट्री मसल्स को ही तो स्मूथ मसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नर्व इम्पल्स आपके किस तरह से रिले हो रही है, कहाँ से कहाँ तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन्वॉलेंट्री या स्मूथ मसल्स तक। ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र फर्दर डिवाइड हो जाता है किसमें, आपका पैरासिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक में, ठीक है। फॉर हाई लग रहा होगा पर इलेवेंथ थोड़ा तो रहेगा ही हाई, है ना, इलेवेंथ थोड़ा तो डीप है। चलो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखो, पीआरटी वाले स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो इसको नहीं भी पढ़ेंगे चल जाएगा काम, पर जो टीजीटी और पीजीटी लेवल के अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो वो ये जरूर देख लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या है इंपॉर्टेंट, न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। अब तंत्रिका कोशिका किस तरह से बनी होती है, तो एक होता है आपका सेल बॉडी,
ठीक है, फिर एक होती है डेंड्राइट्स और दूसरा होता है एक्सॉन। तो ये तीन चीज से मेन बनी होती है कि आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, तंत्रिका कोशिका, सेल बॉडी मतलब कोशिका काय। अब सेल बॉडी कहाँ हो जाएगी, ये है आपकी सेल की बॉडी, ठीक है, जो बीच बीच का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको मैं ब्लू से मार्क कर देती हूँ। ये आपका स्ट्रक्चर क्या है, ये आपकी सेल बॉडी है। ये बाहर निकले हुए क्या हो गए, ये आपके डेंड्राइट्स हो गए। तो ये क्या हो गए, आपके डेंड्राइट्स हो गए, दुम्राक्ष। तो ये क्या होते हैं डेंड्राइट्स, छोटे तंतु होते हैं एक तरह से। ये क्या करते हैं, ये उद्दीपक स्टिमुलस को लेते हैं, ठीक है, पिछले जो इससे पहले लगा हुआ न्यूरॉन है उससे इन्होंने क्या किया, सिग्नल लिया, ठीक है, सिग्नल लिया न्यूरॉन। अब किस तरह से लिया वो भी हम आगे समझेंगे। अभी इतना समझो कि जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, तीन चीज मेन होती है। पहली हो गई आपकी क्या, सेल की बॉडी, आपका क्या हो गया कोशिका काय, दूसरा हो गया आपका डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स वो दुम्राक्ष, फिर तीसरा हो गया आपका एक्सॉन जिसको तंत्रिकाक्ष बोलते हैं, जो कि आपके लॉन्ग फाइबर्स होते हैं। आप कैसा, तो ये यहाँ पर देखो इस तरह सेल बॉडी हो गई और ये एक क्या होगा, एक फाइबर लंबा सा निकल जाता है तो इसको बोलते हैं एक्सॉन, और ये जो यहाँ का एंड हो जाता है इसको बोल देते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। और ये लंबा सा एक्सॉन, तो इसका मतलब यहां से क्या हुआ, यहां से इस तरीके से इसके पास लगा है दूसरा न्यूरॉन, यहां से क्या हुआ नर्व इंपल्स ट्रांसमिट हुआ इधर से इधर इस वाले न्यूरॉन पे। अब ये डेंड्राइट्स क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, डिटेक्ट करेगा, तो डिटेक्ट किया डेंड्राइट ने और फिर क्या करेगा, फिर रिसीव करेगा, रिसीव कर लिया और फिर क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। तो यही सेम चीज इसमें भी होनी है। तो यहां पर क्या हुआ, इसने सिग्नल को लिया, इसने अंदर गया और ये इसने सेल बॉडी तक भेजा और सेल बॉडी से अंदर एक्सॉन टर्मिनल से होता हुआ ये कहाँ आ जाएगा, ये इस एंड में आ जाएगा जिसको टर्मिनल, एक्सॉन का टर्मिनल बोलते हैं, एंड बोलते हैं, डिस्टल एंड बोलते हैं, मतलब पिछला हिस्सा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्या, ये नॉब्स, इस तरीके से नॉब्स प्रेजेंट होते हैं, सिनेप्टिक नॉब्स बोला जाता है इनको और हिंदी में भी इनको सिनेप्टिक नॉब ही बोलते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर आपके आपके प्रेजेंट होते हैं जिसको सिनेप्टिक वेसाइकल्स बोलते हैं, सिनेप्टिक पुटिकाएं होती हैं। तो इसके अंदर आपके वेसाइकल्स कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगे और इसके अंदर भरा होता है क्या, आपका केमिकल, एक रसाव भरा होता है। ये रसाव क्या है, केमिकल रसाव है। अब केमिकल रसाव है तो इस रसाव का नाम क्या हो जाता है, आपका न्यूरोट्रांसमीटर। यही न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, सिग्नल को इधर से उधर ट्रांसमिट करता है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर दूसरा वाला क्या होगा, एक्सॉन उसको ले लेगा, दूसरा वाला पूरा का पूरा आपका न्यूरॉन, एक्सॉन नहीं, दूसरा का पूरा न्यूरॉन, उसका न्यूरॉन का भी कौन सा भाग, डेंड्राइट, दुम्राक्ष, उसका वो न्यूरोट्रांसमीटर को ले लेगा, केमिकल सिग्नल को ले लेगा और आगे ट्रांसमिट कर देगा क्या, नर्व इंपल्स। इस तरीके से नर्व इंपल्स जाती है। तो यहां पर अब आपको देखो मेन चीजें क्या याद रखनी है सभी स्टूडेंट्स को। सबसे पहली बात है कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में तीन चीज हमने देखी, पहला सेल बॉडी देखा, दूसरा हमने डेंड्राइट्स देखा, तीसरा हमने एक्सॉन देखा। एक्सॉन क्या था आपका, तंत्रिका, तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष लॉन्ग फाइबर है, ये लॉन्ग फाइबर है, यहां से पूरा फाइबर पूरा एक्सटेंड हो गया तो ये लॉन्ग फाइबर, इस पूरे हिस्से को बोला गया एक्सॉन, ठीक है, इस पूरे हिस्से को एक्सॉन बोला। यहाँ पे टर्मिनेट हो गया तो इसको एक्सॉन टर्मिनल बोला। एक्सॉन टर्मिनल के पास एक कुछ बल्बनुमा स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब के अंदर क्या होती हैं, आपकी सिनेप्टिक पुटिकाएं या सिनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं। इसके अंदर भरा होता है कुछ केमिकल रसाव जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। यही न्यूरोट्रांसमीटर आगे जाकर ट्रांसमिट होता है, केमिकल सिग्नल्स को लेकर जाता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि हर एक चीजों के आपको याद रखने हैं। जैसे आपको ये ब्लैक ब्लैक से बिंदियां दिख रही होंगी तो ये क्या होती है, आपकी श्वान सेल्स होती है या श्वान कोशिकाएं होती हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं श्वान सेल्स। अब इनका काम क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट, मार्क करो, स्टार मार्क करो और नोट करो। ये श्वान सेल्स का काम होता है माइलिन शीट को बनाना, माइलिन आवरण का उसको बनाने में काम कौन मदद करती है, आपके श्वान सेल्स मदद करती हैं। तो कुछ ऐसे एक्सॉन्स होते हैं, कुछ ऐसे आपके तंत्रिकाक्ष होते हैं जो कि माइलिनेटेड होते हैं, जिनमें माइलिन का आवरण होता है, तो
वो कैसे हो गए? वो आपके कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन में पाए जाते हैं या क्रेनियल नर्व्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे एक्सॉन्स होते हैं जो कि नॉन माइलिनेटेड होते हैं, मतलब कि उनमें श्वान सेल्स तो होते हैं, हर एक एक्सॉन में श्वान सेल्स तो पाया जाएगा, पर वो माइलिन का आवरण बनाता भी है और नहीं भी बनाता है। वापस से सुनेंगे मैंने क्या बोला, हर एक एक्सॉन के अंदर आपका क्या मिलेगा, आपको श्वान सेल्स मिलेंगे या हर एक न्यूरॉन के अंदर श्वान सेल्स मिलेंगे। अब ये श्वान सेल्स कभी माइलिनेटेड, मतलब माइलिन शीट का माइलिन आवरण बनाता है और कभी नहीं बनाता है। जब माइलिन के आवरण नहीं बनाएगा ऐसे श्वान सेल्स, तो वो कौन से एक्सॉन हो जाएंगे आपके? नॉन माइलिनेटेड हो जाएंगे, ठीक है। और जो बनाएगा वो माइलिनेटेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर श्वान सेल्स का काम क्या हो गया? सिंपल एक लाइन में लिख लो कि श्वान सेल्स का काम हो जाएगा आपका माइलिन शीट को बनाना या माइलिन आवरण को बनाना, श्वान कोशिकाओं का काम हो गया, ठीक है। अब देखो, अब एक और एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया था नोड्स ऑफ रनवेयर से, तो रोड नोड्स ऑफ रनवेयर का काम क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये जो गैप दिख रहे हैं, ये जो गैप से दिख रहे हैं, इसको रेड से मैं मार्क कर देती हूँ, ये आपको गैप दिख रहे हैं दो, ये देखो ये क्या हो गई आपकी माइलिन शीट हो गई, ये आपकी रेड रेड से क्या हो गई, ये माइलिन शीट हो गई इस तरह से, ठीक है। अब इसके बीच में आपको गैप से दिख रहे हैं, इसके बीच में दो माइलिन शीट के बीच में गैप दिख रहा है, तो ये जो गैप है ये गैप क्या होता है? यहाँ पर नोड्स ऑफ रनवेयर होता है, नोड्स ऑफ रनवेयर, ठीक है, हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं। और माइलिन शीट का काम क्या है, क्यों जरूरी है माइलिन शीट एक आपके न्यूरॉन में? तो माइलिन शीट क्या करती है, जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है उसको फास्ट कर देती है, बहुत तेजी से सिग्नल चला जाए, इसके लिए माइलिन शीट का होना जरूरी होता है। इसी तरह से आपकी जो नोड्स ऑफ रनवेयर है ये भी क्या करता है, जल्दी से जो सिग्नल है वो आगे बढ़ जाए, आयन जो है वो आगे फ्लो हो जाए जल्दी से। तो नोड्स ऑफ रनवेयर का भी काम कुछ यही होता है कि जो आपका सिग्नल है उसका ट्रांसमिशन बहुत फास्ट हो जाए, ठीक है। आई होप यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए। माइलिन शीट मैंने बता दिया, श्वान सेल्स बता दिया, एक नोड्स ऑफ रनवेयर बता दिया, सिनेप्टिक नर्व सब हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक चीज और देख लो, इसमें नेजल ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? देखो सेल बॉडी है तो सेल बॉडी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा आपका? यहाँ पर आपका ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा और सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, साथ ही साथ आपके नेसल ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। कहाँ? आपके सेल बॉडी के अंदर, और आपके डेंड्राइट दुम्राक्ष के अंदर भी आपके नेसल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन लिखेंगे सबके सब नोट करके कि डेंड्राइट कहाँ कहाँ नेसल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, किसमें? आपके एक न्यूरॉन में, तो न्यूरॉन में आपके नेसल ग्रैन्यूल्स, हिंदी में भी नेसल ग्रैन्यूल्स ही बोलते हैं, तो आपके तंत्रिका कोशिका में नेसल ग्रैन्यूल्स आपके एक तो सेल बॉडी में पाए जाएंगे और दूसरे कहां पाए जाएंगे? दूसरा आपका डेंड्राइट्स में पाए जाएंगे। तो सेल बॉडी हो गई और डेंड्राइट्स, और डेंड्राइट्स क्या था, इस तरह से पूरा ऐसा, जैसे मेरे ये बाल अगर मैं ऐसे खड़े कर दूं, देखो याद करने का तरीका सुनो, याद करने का तरीका कैसा है, ये मेरी पूरी की पूरी क्या हो गई, एक बॉडी हो गई, ठीक है, बॉडी हो गई, ये मेरा ऐसा ये पूरा जो फेस है ये क्या हो गया, ये मेरी सेल की बॉडी हो गई, तो ये आपकी सेल बॉडी हो गई, और ये खड़े हुए बाल ये क्या हो गए, ये डेंड्राइट्स हो गए, ठीक है। तो एंटीना कैच करता है ना, तो ये क्या होगा, ये एंटीना कैच कर रहा है, इसका मतलब ये सिग्नल कैच कर रहा है। अब सारे का सारा सिग्नल क्या किया, सेल की बॉडी ने रिसीव कर लिया, और नीचे का पोर्शन क्या हो गया, ये आपका एक्सॉन हो गया, और मेरा फुट क्या हो गया, फुट पे जो पंजे से नाखून है वो क्या हो गए आपके, वो एक्सॉन के एंड हो गए, इसको बोलते हैं जहां पर सिनेप्टिक नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, उस याद करने के तरीके होते हैं। चलिए आइए फर्दर इसको मैं रब करके फर्दर आपको आप देख लेते हैं ट्रांसमिशन ऑफ जो इम्पल्स है वो किस तरीके से होता है, आपका आवेग का संचरण किस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक होता है। तो इसमें देखो सबसे इजी चीज मैं आपको एक समझाने वाली हूँ, उसको इजीली समझ लो। जैसे कि ये मेरे पास एक न्यूरॉन है, सिंपल यहाँ पर इधर ही देखेंगे सब, तो मेरे पास एक मान लो ये एक न्यूरॉन है, एक सिंपल स्ट्रक्चर मैंने बताया। अब इसके एंड्स में क्या प्रेजेंट था, यहाँ पर सिनेप्टिक नॉब्स प्रेजेंट थी, हमने देखा था ना इस तरीके से, यहाँ पर सेल बॉडी थी और डेंड्राइट्स थे, ये एक्सॉन का एक्सॉन था और ये एक्सॉन का टर्मिनल था, और यहाँ पर क्या था, सिनेप्टिक नॉब था, ठीक है। ये सिनेप्टिक नॉब, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाती हूँ, इसी को मैंने अगर थोड़ा बड़ा बना दिया तो इस तरीके से बनाया। अब सिनेप्टिक नॉब है, इसका मतलब ये सिनेप्टिक नॉब आपको तबड़ा दिखा, अब ये एक सिनेप्टिक नॉब, इसके अंदर बहुत सारे सिनेप्टिक वेसाइकल्स प्रेजेंट होंगे आपकी, ये आपके सिनेप्टिक वेसाइकल्स, एक सिनेप्टिक नॉब के अंदर ये नॉब था, ये नॉब था, अब इसके अंदर क्या है, बहुत सारे सिनेप्टिक वेसाइकल्स हैं। इस सिनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, सिनेप्टिक पुटिकाएं। तो ये क्या हो गई आपकी, ये आपकी सिनेप्टिक पुटिकाएं,
ठीक है, सिनेप्टिक पुटिका है, मतलब ये आपका सिनेप्टिक वेसाइकिल। अब इस सिनेप्टिक वेसाइकिल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि एक तरह के रसाब होते हैं जो कि आपके नर्व इंपल्स को ट्रांसमिशन में मदद करते हैं। और ये कहां पर रहते हैं, आपके सिनेप्टिक एरिया में या सिनेप्स में पाए जाते हैं। सिनेप्स क्या होता है, वो दो न्यूरोन के बीच का गैप, दो न्यूरोन के बीच का गैप। मान लो यहां पर इसको मैं रब करके आपको समझाती हूँ, जिससे कि आपको चीजें क्लियर होती चलेंगी। देखो मेरे पास एक न्यूरॉन, एक न्यूरॉन क्या है, एक न्यूरॉन ये है, ठीक है, ये इसका एंड हो गया, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है, दूसरा न्यूरॉन, और ये क्या है, इसका इस तरीके से एंड है। तो इन दो न्यूरॉन के बीच का, इन दो न्यूरॉन के बीच का आपको ये जो गैप दिख रहा है, ये दो न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, सिनाप्स बोलते हैं, सिनाप्स बोलते हैं। अब देखिए, तो ये मतलब ये वाला न्यूरॉन कैसा हो गया, ये प्री न्यूरॉन है, ठीक है, पूर्व वाला, पूर्व न्यूरॉन है ये, और ये क्या हो गया, ये आपका पोस्ट न्यूरॉन हो गया, ठीक है। अब देखो ये इसके ये एरिया क्या हो गया, ये वाला एरिया, ये इसके नॉब्स थे प्रेजेंट। तो बस सिंपल लैंग्वेज में इतना समझ लो कि एक जो पहले वाला न्यूरॉन है वो प्री न्यूरॉन है, बाद वाला न्यूरॉन पोस्ट न्यूरॉन है, ठीक है, पोस्ट न्यूरॉन, और इनके बीच का गैप एरिया क्या हो गया कि सिनाप्स, यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है, ठीक, किसके द्वारा, न्यूरो ट्रांसमीटर्स के द्वारा, जो कि एक केमिकल रिसाव है जो कि नर्व इंपल्स को एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। तो यही यहाँ पर बना हुआ डायग्राम जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का है, ये क्या है, ये आपका सिनेप्टिक नॉब है, सिनेप्टिक नॉब हो गया ये, ठीक। अब ये इसकी क्या हो गई, इसके अंदर वेसाइकल्स हैं, पुटिकाएं हैं, पुटिकाओं के अंदर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर, और ये क्या है, दूसरा न्यूरॉन का यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से यहाँ केमिकल रिसाव ट्रांसमिट होगा, तो इस तरीके से ये जो ट्रांसमिशन है नर्व इंपल्स का हो जाएगा, और रिसेप्टर्स इसको ले लेंगे, ग्राही इसको ले लेंगे। सिंपल इतना था, ठीक है। आई होप ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ, आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लिया प्रॉपरली। हमने फिर देखा किस तरह से नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होती है, और यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम आयंस का रिक्वायरमेंट होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन में आ जाते हैं कौन से आयंस का ट्रांसफर होता है, इधर से उधर एक्सचेंज होता है, तो सोडियम और पोटेशियम आयंस Na+ और K+ आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है इस ट्रांसमिशन में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या चीज ट्रांसमिट हो रही है, न्यूरोट्रांसमीटर का ट्रांसमिशन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का इंग्लिश में न्यूरोट्रांसमीटर, हिंदी में भी न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। वो एक तरह के केमिकल रिसाव होते हैं जो कि ट्रांसमिट होते हैं एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन तक, ठीक है। आई होप यहाँ तक पॉइंट सबको क्लियर हो गया, सबको कोई कहीं कोई कंफ्यूजन हुआ ही नहीं होगा। इस तरह से नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है। अब आइए देख लेते हैं क्या कि मानव मान जो आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो ब्रेन के स्ट्रक्चर में मेजर मेजर चीजें हम पढ़ेंगे जो चीज हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहली बात है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो किसी चीजों से कवर्ड है। इसका मतलब उसके ऊपर किन चीजों की कवरिंग है, इसका मतलब उसको किसी चीजों से ढाका गया है। तो सबसे पहली बात है ये जो एकदम हड्डा एकदम बिल्कुल एकदम कड़क कड़क सा दिखता है, ठक ठक आवाज भी आती है, तो ये क्या हो गया, हमारी खोपड़ी, स्कल। तो हमारा जो ब्रेन है एक्चुअल इस स्कल के अंदर प्रेजेंट है, काफी अंदर, जिससे कि किसी भी डैमेज से, किसी भी शॉक से वो बचाता है, जब तक कि कोई मेजर इंजरी ना हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि ब्रेन, ब्रेन की जो आउटर कवरिंग हो जाती है उसको बोलते हैं स्कल, खोपड़ी हो गई, ठीक है। अब ब्रेन जो है वो कई लेयर्स से क्या है ऊपर, मतलब जो ब्रेन है उसके ऊपर कई तरह की लेयर्स होते हैं, कई तरह की परतें होती हैं, उन परतों को आपको याद रखना है। आप याद कैसे रखेंगे, एक वर्ड हो गया आपका डैप या PAD से पैट, ठीक है, पैट। तो देखो डी वाला जो हो गया डी ड क्या होता है, दूर, दूर, तो दूर वाला तो क्या हो जाएगा आपका ड, ठीक है, तो दूर। तो जो आपका ड्यूरा मैटर होता है, ड्यूरा मैटर, दूर, ड्यूरा मैटर, दूर, ड्यूरासेल की बैटरी बहुत देर तक चलती है ना, बहुत दूर तक जाती है, याद करने का तरीका है, ड्यूरासेल की बैटरी बहुत देर तक जाती है। तो जो ड्यूरा मैटर है वो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ब्रेन की, तो सबसे बाहरी वाली कवरिंग कौन सी हो गई आपकी, ड्यूरा मैटर, हिंदी में भी ड्यूरा मैटर। तो आप कोई देख सकते हैं जो बाहरी स्कल हो गया, स्कल के अंदर क्या हो गया प्रेजेंट, ड्यूरा मैटर। फिर क्या हो गया आपका एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड ड्यूरा मैटर के अंदर वाली लेयर हो जाती है। फिर बात करते हैं पाया मैटर, मतलब मैंने पा लिया, तो कोई चीज पाता है आदमी तो एकदम पास में आ जाती है, तो जब पा लिया तो वो चीज पास में आ गई, इसका मतलब ब्रेन की सबसे ऊपर जो, मतलब सबसे पहली कवरिंग जो होगी ब्रेन के ऊपर वो आपकी पाया मैटर, क्योंकि ब्रेन ने वो कवरिंग पा ली, ठीक है। याद रखोगे ना, ड्यूरासेल की बैटरी से दूर वाला हो गया ड्यूरा मैटर, और आपका हो गया पा लिया, मतलब एकदम
ले लिया पास में, तो पाया मैटर जो कि सबसे इनर मोस्ट कवरिंग होती है ब्रेन ब्रेन की, तो ये आपकी पाया मैटर, हिंदी में पाया मैटर ही बोलते हैं। और यहाँ पर ये है आपका क्या, ब्रेन। तो ये एरिया हो गया आपका ब्रेन का। अब देखो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मतलब एक ऐसा तरल पदार्थ प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर जो कि शॉक वॉक से बचाता है, ठीक। तो वो किसके किसके बीच में प्रेजेंट होगा, वो आपका ये पाया मैटर, ये देखो ये यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब पाया मैटर हो गया। और पाया मैटर के साथ साथ आपका ये एरेक्नॉइड हो गया और ये पाया मैटर हो गया, इसके बीच में प्रेजेंट एरिया होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आपको याद इतना रखना है, क्या क्या चीजें इसमें याद रखनी है, देखो अब ये तो हमने, ये तो बहुत ही मैंने आपको थ्योरी बता दी, अब आपको याद क्या रखना है, जो ब्रेन है, ब्रेन हमारी कुछ कवरिंग से ढका हुआ होता है। सबसे पहला भाग जो हमारे एकदम कपाल एकदम ठक ठक वाला भाग है वो क्या, स्कल है, खोपड़ी है। अब खोपड़ी के अंदर भी कुछ तरह की परतें होती हैं, सबसे पहली परत कौन सी होती है, दूर वाली। सबसे बाहरी परत कौन सी हो गई, दूर वाली, तो दूर ड्यूरासेल ड्यूरा मैटर। सबसे अंदर वाली परत क्या हो गई, उस ब्रेन ने अपनी परत को पा लिया, मतलब उसने पा लिया तो पाया मैटर। फिर बीच वाली हो गई एरेक्नॉइड, और इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है आपका, फ्लूइड, एक तरह का तरल पदार्थ प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया, चलो आइए आप देख लेते हैं क्या ब्रेन। तो ब्रेन में एक भाग होता है फोर ब्रेन जो आगे का अग्र भाग होता है, ठीक है। फिर होता है मिड ब्रेन जो मध्य भाग होता है, और एक होता है हाइंड ब्रेन जो आपका एकदम पीछे वाला पश्च भाग होता है, आपका पश्च भाग आपका मस्तिष्क का, ठीक है। फोर ब्रेन जो बिल्कुल आगे का हिस्सा जो कि सबसे ज्यादा हिस्सा होता है, ठीक है। अब देखो याद कैसे रखोगे, ठीक है। फोर ब्रेन जो कि सबसे अग्र भाग होता है ब्रेन का, उसको याद करने का तरीका कैसे है, क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, आपसे एग्जाम में यही पूछते हैं। फोर ब्रेन के भाग क्या क्या हो जाएंगे, सेरिब्रम और दूसरा हो गया आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब देखो याद कैसे करोगे, तो इसका भाग क्या हो गया, पहला हो गया सेरिब्रम, दूसरा हो गया आपका थैलेमस और तीसरा हो गया आपका हाइपोथैलेमस। मतलब सेरिब्रम ये भ्रम है, क्या भ्रम है ये भ्रम है कि थाली, ये भ्रम मतलब एक तरह से एक भ्रम में चल रहे हैं कि हम थाली दे रहे हैं किसको, हिप्पोपोटामस को। या ये ऐसे भी सोच सकते हो कि एक भ्रम है कि मेरी थाली कैसी है, मतलब मैं पतला होना चाह रहा हूँ पर मेरे अंदर एक भ्रम है कि मुझे थाली कैसे खानी है, हिप्पोपोटामस वाली वाली, मतलब बहुत ज्यादा भरी हुई थाली। अब इसको एक ऐसे भी याद कर सकते हो कि तेरी भ्रम मतलब ड्रम, ड्रम ड्रम बजता है तो कहाँ लगता है, एकदम सर पे, एकदम सर दर्द होने लगता है। तो एकदम अग्र भाग क्या हो गया, ड्रम वाला, भ्रम वाला, ठीक है। किसी फोर ब्रेन का भाग क्या हो गया आपका, सेरिब्रम जो भ्रम है किसका, थाली खानी है कैसी, हिप्पोपोटामस वाली, ठीक है, याद हो गया। अब देखो अब इसके बाद आ जाते हैं मिड ब्रेन हो गया आपका, ठीक है। मिड ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, थैलेमस और आपका हाइपोथैलेमस के और पॉन्स के बीच का एरिया होता है आपका मिड ब्रेन। अब देखो ना, अब नेक्स्ट क्या आपको इंपॉर्टेंट चीज याद करनी है, ब्रेन स्टेम। ये आपसे कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रेन स्टेम क्या होता है, किन किन चीजों से मिलकर ब्रेन स्टेम बना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मिड ब्रेन सबसे पहला भाग इसका हो जाता है मिड ब्रेन का, फिर दूसरा भाग हो जाता है इसमें पॉन्स का, और तीसरा भाग हो जाता है इसमें आपका मेड्यूला का। ये तीन भाग मिलकर बनाता है क्या, ब्रेन स्टेम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्तिष्क का आपका स्टेम जो है वो किन किन चीजों से बना है, आपका मध्य भाग, आपका मध्य मस्तिष्क, फिर आपका पॉन्स, फिर आपका मेड्यूला। मेड्यूला ऑब्लोंगोटा का क्या काम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। रेस्पिरेशन जो भी आपके सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को ये कंट्रोल करता है, कौन आपका, मेड्यूला ऑब्लोंगोटा। तो ये सारे फंक्शंस आपको इसके पता होने चाहिए। आइए कुछ जो थोड़ी थोड़ी चीजें बची हुई हैं उसको मैं कंप्लीट करा देती हूँ ब्रेन की, फिर आपका यहाँ पर पूरा ब्रेन खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे आइस करेंगे, फिर ईयर करेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश। तो फर्दर देख लेते हैं, तो देखो जो आपका ब्रेन, ये पूरा ब्रेन है तो उसका जो अग्र भाग है फोर ब्रेन है, तो उसमें दो हेमिस्फेयर होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर, ठीक है। तो जो लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर है, मतलब जो भाग है, तो ये इसके बीच का ये एरिया पूछा जाता है आपसे एग्जाम्स में कि जो दो आपके ब्रेन का जो पार्ट है, मतलब दो ब्रेन का जो हाफ हाफ हिस्सा है, ये किस चीज से जुड़ा होता है। तो ये जुड़ा होता है आपका कॉर्पस कैलोसम से। नाम कैसे याद रखेंगे, कॉर्पस कैलोसम, सम से याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शंस में कर आप छाट सकते हैं, तो जहां पे आपको वर्ड लिखा मिल जाए सम, ठीक है। तो कॉर्पस कैलोसम से आपका ये लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर जो ब्रेन का होता है, सेरिब्रम का, सेरिब्रम की हम बात कर रहे हैं आगे अग्र भाग की, तो वो सेरिब्रम सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो होते हैं आपके, वो
कॉर्पस कैलोसम से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब जो सेरिब्रम होता है, जो अग्रभाग का सेरिब्रम हिस्सा सबसे बड़ा हिस्सा होता है, उसके ऊपर कुछ लेयर्स पाई जाती हैं, तो उसकी जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, तो वो आपकी सेरिब्रल कॉर्टेक्स उस मतलब बनी होती है, प्रमस्तिष्क वल्कुट। ठीक है, प्रमस्तिष्क वल्कुट। तो इसमें कुछ कुछ एक्टिविटीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि देखो याद कैसे रखोगे इसको, कि हम अपने ब्रेन से ही सारा काम करते हैं, हम अपने आगे हिस्से से ही सब कुछ सोचते हैं, जितना भी सोचने उचने का काम है, सोचना, समझना, किसी चीज पर रिएक्ट करना, वो सारा काम किसका है, सेरिब्रम का है, आगे वाले हिस्से का है। ठीक है, अब देखो तो इसका मतलब यहाँ पर मोटर एरिया है, एक तरह से मोटर एक्टिविटीज हो रही है, जो भी कुछ हमें काम करना है वो सारी एक्टिविटीज कौन कर रहा है, सेरिब्रम का, आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स एरिया। ठीक है, फिर सेंसरी एरिया, सेंस करना क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर एसोसिएशन एरिया, एक तरह से मेमोरी बनाना या किसी के बीच में कम्युनिकेशन करना, तो मतलब सारी चीज जो सोचने में मजबूर कर रही है वो सारी चीजें आपकी किस में आ जाएंगी, अग्रभाग में आ जाएंगी, सेरिब्रम वाले भाग में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर इसमें आपको देखनी होगी, मोटर एक्टिविटीज में हो गई या जो आप कार्य कर रहे हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं सेरिब्रम हो गया, फिर सेरिब्रम में मैंने आपको क्या समझा दिया कि सारे तरह के लोब्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब का क्या हो जाएगा, जैसे देखने वाला, फिर आपका हियरिंग वाला लोब हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका विजुअल लोब हो गया। ठीक, तो प्लानिंग, सॉल्विंग, मूवमेंट सारा आपका सेरिब्रम वाला हिस्सा हो गया। अब थैलेमस, तो थैलेमस के पास प्रेजेंट होता है लिम्बिक एरिया। लिम्बिक एरिया, इसको हिंदी में भी आपके लिम्बिक तंत्र ही बोलेंगे, लिम्बिक सिस्टम बनाता है, लिम्बिक एरिया होता है, लिम्बिक एरिया का पास करता है एमिग्डाला होता है, मत याद रखो, लिम्बिक एरिया होता है, इसका काम क्या होता है, आपको सेक्सुअल अर्ज को बढ़ाना। तो इसमें क्या हो जाएगा, वो लैंगिक व्यवहार, फिर आपका इमोशनल जो एक्टिविटीज है, इमोशनल आपका माइंडसेट, तो ये सारा कौन करता है, ये आपका थैलेमस के पास प्रेजेंट जो लिम्बिक एरिया है वो करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, सारी चीजें ब्रेन में ही हो रही है, अग्रभाग के में के ही ये सब सारे भाग आपको मैं यहाँ पर बता रही हूँ। अब बात कर लेते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, ये थर्मो रेगुलेशन करता है, तापमान शरीर का नियंत्रित करता है, दूसरा इंपॉर्टेंट काम हो जाता है आपका ईटिंग, भूख लगना, प्यास लगना, ये सब कारण किसके होते हैं, हाइपोथैलेमस इसका एक कारण होता है। तो हाइपोथैलेमस पार्ट किसका हो गया आपका, आपका फोर ब्रेन का अग्रभाग का है, जो मस्तिष्क का अग्रभाग है उसका हिस्सा। अब देखो मिड ब्रेन में आपको क्या बताया था, एक ही बात याद रख लेना, क्या ये कहाँ, इसका लोकेशन क्या होता है आपका, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में, मुंह पर यहाँ पर आपका थैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है, इसके बीच में ये आपका मिड ब्रेन हो गया। ठीक है, और नीचे क्या है आपका, पॉन्स प्रेजेंट है, तो इन दोनों के बीच का ये एरिया क्या हो जाता है, मिड ब्रेन होता है। हाइंड ब्रेन क्या होता है, पिछला भाग, जो पिछला भाग बोलता है ना कि पीछे मार नहीं लगनी चाहिए, यहाँ वाले हिस्से में चोट नहीं लगनी चाहिए, क्यों नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारी एक्टिविटीज होती है, यहाँ पे चोट लग जाती है, क्योंकि ये स्पाइन से कनेक्टेड होता है, तो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको मेरुरज्जा, स्पाइनल कॉर्ड, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ से क्या होता है, सारा मूवमेंट कंट्रोल होता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, क्या आया है क्वेश्चन, कि कौन सा ऐसा भाग है ब्रेन का जो कि आपको बैलेंसिंग में हेल्प करता है, तो एक तो हो गया ईयर, दूसरा का आंसर हो गया आपका सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क जो है बैलेंस और मूवमेंट में ये हेल्प करता है। ठीक है, दूसरी बात आ जाएगी मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अगर यहाँ पीछे चोट लग जाती है तो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा में डैमेज हो जाता है, तो उससे जैसे रेस्पिरेशन एक्टिविटीज अपने आप ही आदमी मर जाता है, क्यों, क्योंकि वो रेस्पायर नहीं कर पाता, यहाँ पर रेस्पिरेशन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर आपका डाइजेशन वाला गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, ग्लैंड्स नहीं गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक सेक्रेशंस होते हैं जो कि आपकी पाचन क्रिया में मदद करते हैं। फिर आपके हृदय परिसंचार प्रतिवर्तन होता है, तो ये सारी एक्टिविटीज जो कि आपकी हार्ट की कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज हो गई, रेस्पिरेशन हो गई, ये सारी एक्टिविटीज आपका कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल करता है। और मेड्यूला, देखो एक और क्वेश्चन आप यहाँ पर नोट करो, स्टार मार्क कर, क्या नोट करोगे कि मेड्यूला स्पाइनल कॉर्ड किससे कनेक्टेड होती है। ठीक है, द कनेक्शन थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड इज कनेक्टेड, तो किससे होगी कनेक्टेड, आपका मेड्यूला ऑब्लोंगाटा से कनेक्टेड होती है स्पाइनल कॉर्ड। तो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा मध्यांश जो होता है आपका, ये एक तरह से कनेक्शन होता है किसका, मेरुरज्जु का आपका ये कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर आई हो सारे पॉइंट्स। अच्छा, ब्रेन स्टेम मैंने आपको बता दिया था। अब देखो ये केस किस तरह से आपका यहाँ पर सेरिब्रम, ये पीछे पिछला वाला ब्रेन हो गया, छोटा वाला हिस्सा ये पॉन्स हो गया, यहाँ से आगे पूरी ब्रेन स्टेम बन जाती है, यहाँ पर ऊपर हो जाता है मिड ब्रेन, ये पॉन्स, यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगाटा, तो इससे हो जाती है आपकी पूरी ब्रेन स्टेम तैयार, ये नीचे जुड़ी होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड से। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर खत्म होता है। अब नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे अपना आईज को कंप्लीट, फिर ईयर को कंप्लीट, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको ज्यादा लग रहा हो
तो मुझे बता देना, तो मैं आपको इतना ज्यादा जो थोड़ा बहुत मैंने एक्सटेंड किया है वो नहीं करूंगी, आपको अब 10th तक ही कराऊंगी, ठीक है। तो आपको जैसा सही लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, उस हिसाब से फर्दर लेक्चर्स आपके डिजाइन